हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक में 3 मेथड है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 3 आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 3 मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो मैं फर्स्ट मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया इक्वेशन फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में किसी भी एक इक्वेशन को लेके चलते हैं। तो देखिए, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेके चल रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहां से आप चाहे तो x को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए या y को, तो x इक्वल टू लिखेंगे तो 14 और प्लस का y इक्वल किधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है, ये अननोन वैल्यू है क्योंकि इसमें y लगा हुआ है, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें एक्स लिखा, यहां पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू 14 माइनस वाई है, तो यहां लिखेंगे 14 माइनस वाई, फिर आगे माइनस का वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस वन वाई, माइनस वन वाई और माइनस के 2y इज इक्वल टू 4। ओके, अब इसका डूइंग ट्रांसफर 14, ये इक्वल के इधर 4 लिखा है, इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, और माइनस का 2y इसको इक्वल के इधर कर देंगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 14 में से 4 माइनस कर दो तो ये आपका 10 इज इक्वल टू 2y, या इसको वी कैन राइट 2y इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 जा 10, देन y इज इक्वल टू 5। एक आंसर आपका ये हो गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस y, तो x इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 रख दीजिए। तो x इक्वल टू 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका 9, ये आपकी x की वैल्यू हो गई, दैट इज योर आंसर। अब देखिए, इसका आंसर को चेक करते हैं कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखिए, x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, x के स्थान पर 9 पुट करिए, y के स्थान पर 5, तो 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14, इक्वल में 14 लिखा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है। इक्वेशन नंबर सेकंड को भी चेक करिए, x के स्थान पर 9 माइनस y के स्थान पर 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब आंसर करेक्ट है। अब मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसके बाद है फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड।
तो देखिए सबसे पहले मैं उस इक्वेशन को लेकर चलूंगा जो कि सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी अपॉन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा है। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, तो इसको लेके चलूंगा मैं। पहले उसी इक्वेशन को लेके चलते हैं जो सिंपल फॉर्म में हो, क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी रहती है, इजी रहता है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है आपका एस माइनस टी इज इक्वल टू थ्री। तो देखिए यहां या इसमें से या तो एस की वैल्यू निकाल लो या टी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं क्या करूंगा कि एस इस थ्री को इधर लाएंगे तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा, और माइनस का टी है इसको इक्वल के इधर कर देंगे तो प्लस का टी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बन गया, यानी टी की वैल्यू जो आपकी है वो एस माइनस थ्री है। ये टी की वैल्यू एस माइनस थ्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाली है, अब इसको सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सेकंड में देखिए क्या लिखा है, एस अपॉन थ्री। तो एस की एस अपॉन थ्री लिखेंगे, प्लस अब देखिए यहां पर जो है ऊपर t लिखा है तो t के स्थान पर क्या लिखेंगे, s माइनस थ्री, और अपॉन में क्या है 2। यानी ये t की जो वैल्यू निकली है वो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना ही आया, 3 टू जा 6। जब डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर होते हैं तो एलसीएम लेते समय इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 का डिवाइड करो अब एलसीएम में तो 3 टू जा 6, और 2 का एस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2s, 2 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 3 जा 6, 3 बार गया, और 3 का दोनों में मल्टीप्लाई, 3 का एस में करेंगे तो आपका ये 3s, और माइनस 3 का 3 में करेंगे 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 6। 3s और 2s कितने होगा, 3 और 2 5s माइनस 9 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 1 का इधर करेंगे तो आपका 5s माइनस 9, और 6 का 6 में करेंगे तो 6 6 जा 36। अब देखिए इसको ट्रांसफर कर दो, 5s इज इक्वल टू 36, ये माइनस का 9 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो देन 5s इज इक्वल टू 36 और 9 कितने हुए ऐड करने पर 45, और s इज इक्वल टू 45, और s के साथ में जो नंबर 5 लिखा है वो डिवाइड की फॉर्म में नीचे आएगा, 5 9 जा 45, तो s इज इक्वल टू 9। यानी s की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो गई, 9। एक आंसर आपका ये आ गया। अब इस s की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए, आपकी t की वैल्यू निकल आएगी। यानी आपको जिन वेरिएबल में इक्वेशन दिया रहता है उन्हीं वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपको s और t में क्वेश्चन दिया है तो s और t की वैल्यू फाइंड करके लानी है। अब देखिए क्या करेंगे, अब s की वैल्यू निकाली है, अब इस s की वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो सबसे पहले देखिए पुट द वैल्यू ऑफ s इन क्वेश्चन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, s माइनस थ्री, s माइनस 3 इज इक्वल टू टी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो s मीन्स 9 माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 इज इक्वल टू टी, या इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 6। ये t की वैल्यू हो गई।
यानी आपका इक्वेशन एस और टी की फॉर्म में दिया है, तो एस और टी की वैल्यू ही फाइंड करके लानी थी। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि आंसर अपना राइट है कि रॉन्ग है। एस मीन्स 9 या 9 रखेंगे, माइनस टी, टी मीन्स 6, 9 माइनस 6 कितना बचा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी एस और टी की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 ही आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये आपके मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर करें। थैंक यू, जय जय।